मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज है इनका बर्थडे, तो बर्थडे बॉय अभी बैठ के गेम खेल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम जलपाईगुड़ी में हैं, मीन्स मेरे ससुराल पे। तो मैं अभी अभी शार लेके आ गई हूँ और अभी हमें जाना है श्राद्ध के अनुष्ठान पे। कोई सेलिब्रेशन अभी तक नहीं हुआ है कुछ भी। अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा है तो आपको पता है कि हमने अभी तक कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया है इनके बर्थडे के लिए। और ये अभी जाएंगे शार लेने और मैं अभी रेडी होने वाली हूँ। ठंड है काफ़ी तेज़ और हाँ धूप भी काफ़ी तेज़ निकला है, लेकिन फिर भी ठंड है। तो शाल लेना मेरी हो गई है, अभी मैं पहनूंगी साड़ी पहन के जाना है। तो मैं ये वाला साड़ी लाई हूँ पहनने के लिए, क्योंकि वो मेरा एक इन लॉज के घर है और शेखत पहनेगा ये वाला कुर्ता। चलिए रेडी हो लेते हैं, क्योंकि शेखत जाएगा और झटपट वो नहा के चले आएंगे, फिर उनका तो मिनटों में रेडी हो जाते हैं वो। तो मैं साड़ी वाड़ी पहनूंगी तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं साड़ी पहनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन ली है और मैं बहुत अच्छी तरीके से साड़ी नहीं पहन पाती हूँ जितना मुझसे होता है। मैं पहनती हूँ एक शॉल, मैं ओढ़ लेने वाली हूँ क्योंकि ठंड है। अगर आप धूप में बैठो तो ठंड नहीं लगता है, वरना ठंड लगता है थोड़ी बहुत। और अभी हाथों में तो सब कुछ है, गले में बस यही रहेगा और कानों में गाड़ी जा रही है। और कानों में मैं ये वाला इयररिंग पहनने वाली हूँ। तो ये वाला इयररिंग ना शेखत लास्ट ईयर धनतेरस में दिया था। अरे हाँ, ये तो मैचिंग है। इस साल उन्होंने ये वाला दिया है धनतेरस पे और लास्ट ईयर ये वाला दिया है। आई गेस दोनों मैचिंग हो जाएगा, तो मैं यही पहन लेती हूँ। शेखत गया है अभी शार लेने। और मैं ना हमेशा जो है ना, मैं हेवी साड़ी मैं कभी पहन नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा लाइट वेट प्रेफर करती हूँ, वो बहुत ही इजी होता है मेरे लिए टैकल करना। वरना जो हेवी साड़ी होता है ना, मेरे पास है एक दो हेवी साड़ी, मैंने पहन के देखा है कि मैं ज़्यादा देर तक उसे पहन के नहीं रह सकती हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर से हेवी साड़ी खरीदना छोड़ दिया है। और ये जो साड़ी है ना, ये मतलब आप अगर अकेले हो, जैसे कॉटन के जो साड़ीज होते हैं मुझे पहनना बहुत पसंद आता है, लेकिन वो सब साड़ी ना आप अकेले पहन नहीं सकते हो। कोई चाहिए आपको हेल्प करने के लिए, प्लीट वगैरह ये सब ठीक करने के लिए, लेकिन क्योंकि मैं अकेले हूँ तो ये वाला साड़ी मतलब प्लीट करने के लिए किसी को पकड़ना भी नहीं पड़ता है, आप इजीली कर सकते हो। तो मैं ऐसी साड़ी प्रेफर करती हूँ जब मैं अकेले रहती हूँ, तो क्योंकि शेखत बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता है। मैं उनको जिस तरीके से कहती हूँ वो समझ नहीं पाता है साड़ी के मामले में, फिर भी थोड़ी बहुत हेल्प करता है मुझे साड़ी पहनने में। और लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ नहीं पाता है कि उनको क्या करना है। और यहाँ पे है हमारी शादी की एक तस्वीर जो मेरी सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट किया था हम दोनों को। गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और ये है मेरी साड़ी। तो मैं बिंदी लाना भूल गई, इसलिए मैंने बिंदी नहीं लगाया और बस ऐसे ही मैं अभी जा रही हूँ। और कैमरा मैं ऑफकोर्स मैं लेके नहीं जा रही हूँ, तो कैमरा यहाँ पे रहेगा। फिर आने के बाद हम लोग घर एक बार आएंगे, क्योंकि मैं साड़ी पहन के ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। तो आने के बाद मैं चेंज करूँगी, फिर हम जाएँगे कुछ बिहार घर। तो मैं आप लोगों को रख के जाती हूँ। ओके सो गाइस, हम अभी अभी आए हैं वापस और मैं ये शॉल ओढ़ के गई थी, क्योंकि बाइक पे आप जाते हो ना तब ठंडा लगता है थोड़ा सा। और क्योंकि धूप है तो उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन बाइक पे लगता है ऑफकोर्स। तो अभी मुझे करनी है चेंज, क्योंकि मैं साड़ी पहन के नहीं जा सकती हूँ। तो साड़ी चेंज करके वो कुर्ती एंड स्वेटर वगैरह पहन लेती हूँ, फिर हम चलते हैं कुछ बिहार। और अभी टाइम जो हुआ है, अभी बजे है 3:45। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और मैंने स्वेटर एंड स्कार्फ ले लिया है।
क्योंकि अभी सूरज ढलने वाला है और अभी ठंड बढ़ जाएगा। तो शकत भी रेडी हो गया है और अभी सारा जो दरवाज़ा है वो जैसा लॉक किया था वैसे ही हम लॉक करके जा रहे हैं। तो चलो अभी चलते हैं घर। और बर्थडे बस अब बर्थडे हमने कुछ नहीं किया, यही मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। हम वापस आ गए हैं घर और हमने एक छोटा सा केक भी लाया है बर्थडे बॉय के लिए। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो हम गए थे मियो अमोरे, तो वहाँ से एक छोटू सा केक लेके आए हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं। अगर बड़ा वाला केक लाएंगे तो कौन खाएगा? ये छोटा सा केक मैं बाद में आपको दिखाती हूँ ये। और रात को डिनर के बारे में भी हमें सोचना है, तो पहले हमने सोचा था कि बाहर ही खा लेंगे क्योंकि शेखत ने कल पिकनिक में खाया था तो उनको अभी बाहर का खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उन्होंने तो वो कह रहे हैं कि घर में ही कुछ बना लेते हैं, प्लीज़ घर में ही खा लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है घर में ही बना लेते हैं। थोड़ा सा तकलीफ़ होगी अब क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 7:30 बज गए हैं ऑलरेडी। तो अभी डिनर बनाना है तो हम लाए हैं चिकन, तो बस चिकन एंड रोटी बनाएंगे सिंपल सा, तो उससे हमारी डिनर हो जाएगी। इस बंदे को मैंने राज़ी किया है अपना बर्थडे वाला आउटफिट पहनने के लिए। पहन लो पहन लो, मैं इसको पहन के खेलने जाओ। तो चलिए बर्थडे बॉय रेडी हो गया है और ये रहा केक। मैंने जैसा कहा कि एक छोटा सा मैंने केक लाया है हम दोनों के लिए। तो ये है ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं होता है, तो ब्लैक फॉरेस्ट हम दोनों को ही पसंद है इसलिए ये छोटा वाला केक ताकि हम दोनों खा पाए। तो चलिए अभी केक कटिंग करते हैं। कैंडल लाना भूल गए हैं, सोचो बिना कैंडल के हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उस बंदे ने बिना कैंडल ब्लो किए केक काटा है। सो बेसिकली वी आर कुकिंग टुगेदर बहुत दिनों बाद ना, काफी दिनों बाद वी आर कुकिंग टुगेदर। पहले बहुत ऐसा टाइम आता था जब छुट्टी के दिन ना हम दोनों मिलके एक साथ खाना बनाते थे, बहुत मज़ा आता था हम दोनों को। अगर आप मेरे बहुत पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता है कि पहले संडे के टाइम हम दोनों मिलके खाना बनाते थे
और आज भी वही कर रहे हैं क्योंकि रात हो गई ना, तो सब कुछ अगर मैं अकेले करूँ तो टाइम लग जाएगा, तो शेखर भी मुझे हेल्प कर रहा है। और अभी बस चिकन बन रहा है, हमने सब कुछ कर लिया है, कुकिंग मतलब कटिंग वगैरह सब कुछ हम दोनों ने मिलके किया है। बस अभी चिकन जो है वो बन रहा है, तो मैं बस अभी रोटी बनाऊंगी क्योंकि शेखर को रोटी बनाना नहीं आता तो मैं रोटी बनाऊंगी, बस खाएंगे गर्मा गर्म चिकन के साथ रोटी। और थोड़ी सी चेंजेस मैंने किया है, तो रोटी के जगह मैं चावल बना रही हूँ, चावल खाएंगे। और आज जो चिकन है ना, तो चिकन में हमने लास्ट में डाला है कैप्सिकम एंड प्याज क्यूब किए हुए, तो क्यूब करके प्याज को हमने पहले फ्राई कर लिया था, तो लास्ट में हमने ऐड कर दिया है। और ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस गैस को ऑफ कर दिया है। और कैप्सिकम जो है हमने पहले फ्राई नहीं किया था, उसको लास्ट में ऐड किया है, बस दोनों ने मिलके ही बनाया है। तो चलो ये हो गया है डन, बस अभी चावल भी बन जाएगा तो हमारी डिनर जो है वो हो जाएगी। और मैंने फेस वॉश कर लिया है और नाइट टाइम जो स्किन केयर है वो भी मैंने कर लिया है, तो बस अभी खाएंगे खाना। नाम लेने वाली हूँ जिनका, उनका है कल बर्थडे, मींस 24 दिसंबर को, तो उनका नाम है पुष्पलता रोकम। तो हैप्पी बर्थडे डियर, आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ विश करते करते, ऑल्दो मैंने 23 दिसंबर को ही आपको विश किया है, लेकिन ये वीडियो 24 दिसंबर को नहीं जाएगा, उसके बाद जाएगा। आई एम सो सॉरी डियर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, पर मैंने बर्थडे के पहले ही विश किया है। ओके और ऐसा ही रहा आज शेखर का बर्थडे, तो नेक्स्ट ईयर हम शायद अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। और इसके साथ मैं इस वीडियो को भी खत्म करती हूँ, तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड साथ में जो बेल बटन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।